हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ब्रिज कोर्स का नाम आपने सुना ही है। स्पेशली ब्रिज कोर्स की अब बात जो है ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि 1 to 5 में बीएड स्टूडेंट को जो है शामिल किया गया है, लेकिन बीएड स्टूडेंट जो है 1 to 5 का फॉर्म फिल कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनको जो है 2 साल का कोर्स करना, सिक्स मंथ्स का जो है कोर्स करना होता है 2 साल के अंदर, राइट। तो ब्रिज कोर्स एक्चुअली में क्या है, कब आप कर सकते हो और कहां से कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ रहा है। जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में तो यही आ रहा है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये ब्रिज कोर्स आप कहां से कर सकते हो, कब फॉर्म आता है, कहां पर फॉर्म आता है और कैसे आपको पता चलेगा। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड का जो है पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है सभी यूनिवर्सिटीज का, जिसमें से सीसीएस, अवध यूनिवर्सिटी, फिर आप लोगों का बिहार यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी है। अगर आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास परचेज कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर दिया गया है उस पर आपको मैसेज करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बात करते हैं ब्रिज कोर्स की। सबसे पहले तो ये समझिए ब्रिज कोर्स कब करना है आपको। तो ब्रिज कोर्स बीएड स्टूडेंट को करना है जो 1 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। एनसीटी ने ये रूल बनाया था कि 1 to 5 में बीएड को इंक्लूड किया जाएगा, और जब 1 to 5 में वो ज्वाइन कर लेंगे एज अ टीचर तो उसके 2 साल के अंदर जो है उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल है। अब आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ये ब्रिज कोर्स करना कैसे है, कहां से करना है। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये है एनआईओएस का साइट, ठीक है। इसी साइट को आपको जो है इसी साइट पर आना है। फॉर्म का लिंक, फॉर्म का जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा, नोटिस होगा, वो इसी पे आपको मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूं कि ये यहाँ पे देखिए 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी फॉर बीएड टीचर्स के लिए है। यहां पर आपको सभी प्रोसेस दिख जाएंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे आप कर सकते हो, स्टडी मटेरियल आपको हिंदी इंग्लिश सब में मिलेगा। कॉन्टेक्ट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे इससे जो है आप बात करके अपना कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हो। और फिर उसके बाद से हम ये देखेंगे कि इसका जो है आपको नोटिस में आकर के देख लीजिए, फॉर बीएड टीचर, यहाँ पर ये आप ओपन करके देखेंगे तो इस तरह से आप लोगों को जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड देन फिर आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका जो है टाइम टू टाइम पर फॉर्म फिल करवाया जाता है, और एग्जामिनेशन, वो पूरा कोर्स जो है 6 मंथ्स का चलता है, एंड फाइनल जो है एग्जाम लिया जाता है और आप लोग का रिजल्ट दिया जाता है। यहाँ पर एक नोटिस में आप देखेंगे, रिजल्ट ऑफ द पीडीपीईटी ब्रिज कोर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मार्च 2019 में जो है ये एग्जामिनेशन जो लिया गया था उसका रिजल्ट का यहाँ पे दिख रहा है। स्टडी मटेरियल चाहिए आपको कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप यहां से भी क्लिक करके ले सकते हो। इसमें आपको जो है अपना रेफरेंस नंबर, एनरोलमेंट नंबर, जब आप इसमें एडमिशन ले लेंगे तो वो सभी चीज दिया रहेगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आपको आना है बस इस साइट पे, एनआईओएस के साइट पर आना है, और यहां से सारा डिटेल आपको ब्रिज कोर्स के बारे में मिल जाएगा। कोई कुछ भी बोल रहा है उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यहां पर आ रही थी कि अब जो है इग्नो भी ब्रिज कोर्स करवाएगा। ये जो है इंफॉर्मेशन आया हुआ था जो मैंने आपको बताया भी था। अब इसके बारे में इग्नो कब से एडमिशन ले रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई डिटेल आएगी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी, या फिर आप जो है इग्नो के साइट पर जाकर के देख सकते हो ब्रिज कोर्स के बारे में, वहां पर भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जब इग्नो करवाएगा। तो फिलहाल एनआईओएस कंडक्ट करवाता है, एनआईओएस के ही साइट पर जो है रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये हर एरिया में मिलता है, हर क्षेत्र में जो है ये आपको मिल जाएगा, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रिज कोर्स से रिलेटेड अभी भी आपके कोई कंफ्यूजन चल रहे हैं तो आप बेझिझक जो है हमें इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हम चलो बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के, किसमें पढ़ना क्या होता है। बच्चों के दिमाग में ये भी टेंशन रहता है कि ब्रिज कोर्स में क्या पढ़ना है, कुछ खास नहीं है। 1 to 5 में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, क्योंकि आप भी जानते हो कि 1 to 5 में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है, जो कि हमारा 6 to 12 तक चलता है कि एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, वैसा 1 to 5 में नहीं होता है। उसमें आपको जो है हिंदी में राइटिंग कैसे करवानी है, मैथ्स में जो है काउंटिंग सिखाना है तो एक्टिविटी के माध्यम से कैसे सिखा सकते हो, फिर आप लोगों का साइंस है, ये इंग्लिश है, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा छोटे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, वो नॉलेज जो है दिया जाता है,
वही सब उसमें पढ़ना रहता है। कोई खास वैसे जो है आपको लग रहा होगा कि टेंशन की कैसा क्या कोर्स रहेगा, क्या अलग रहेगा, तो ऐसा कुछ अलग नहीं रहता है। आपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड में पढ़ाई है, उसी से इन्फ्लुएंस्ड ये जो है रहता है। बस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का जो है आपको मिक्सअप भी दिया जाता है। और अगर आप जब इसमें स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा कि जो जो आपको पढ़ना है वो आपको यहां से, ये जो डाउनलोड द स्टडी मटेरियल है यहां से आपको मिल जाएगा। जब आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, जब इसमें आप एडमिशन लोगे तो फिर बाहर से भी आपको कोई स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये फ्रेंड्स ब्रिज कोर्स के बारे में है। और इसके रिलेटेड और कहीं से अगर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप जो है यहां से भी जो है देख सकते हो स्टडी मटेरियल के बारे में। यहां से ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कोई टेंशन ही ना रहे। देखो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, जो आपको वहां पे पढ़ाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, छोटे बच्चों को आपको समझने के लिए करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपको पढ़ाना रहता है। फिर उसके बाद से जो है पैडागोजिकल ऑफ एलिमेंट्री स्कूल सब्जेक्ट, ये सभी चीजें जो है आपको इसमें दी गई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं और भी आपको डिटेल दिखा दूं। ये सिलेबस जो है आप लोग अगर चाहो तो हम लोग जो है टेलीग्राम पे यहाँ पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आपको मिल जाएगा। जो भी लोग ब्रिज कोर्स करना चाहते हैं वो लोग, और नहीं तो आप एनआईओएस के साइट से जाकर के खुद से भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये इंग्लिश का मैंने ओपन किया तो इंग्लिश में दिख रहा है, हिंदी में आप ओपन करोगे हिंदी में दिखेगा। सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स स्टडी मटेरियल दिया गया है, ठीक है। किस तरह से क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपको यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों के जो कंफ्यूजन थे इसको ब्रिज कोर्स को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी डाउट जो है आप लोगों को नहीं बचा है। अगर अभी भी है तो आप बेझिझक इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।